तंदूर कांड। एक क्रिमिनल के दिमाग की लिमिट्स कोई नहीं जानता। क्राइम करने की चाह किस हद तक जा सकती है और इंसान से क्या क्या करवा सकती है, ये पता कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। आज का केस एक ऐसे आदमी का है जिसने ऐसी सारी हदों को पार कर दिया। 2 जुलाई 1995 की रात को कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू और होमगार्ड चंद्रपाल अपनी रूटीन नाइट पेट्रोलिंग कर रहे थे। वो लोग जैसे ही अशोका रोड की तरफ मुड़े, तभी उन्हें एक बिल्डिंग में से बहुत सारा धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। वो दोनों उस बिल्डिंग तक जल्दी से गए। उस बिल्डिंग में एक रेस्टोरेंट था जिसके अंदर से वो धुआं आ रहा था, लेकिन वो रेस्टोरेंट उस समय बंद था। उन्होंने वहां खड़े गार्ड से धुएं की वजह पूछी। तभी रेस्टोरेंट से एक आदमी निकल कर आया और उसने बताया कि रेस्टोरेंट में कुछ वेस्ट जलाया जा रहा है जो कि कुछ देर में जलना खत्म हो जाएगा। ये सुनकर वो दोनों वहां से चले गए और पास की लेन्स में पेट्रोलिंग करने लगे। कुछ दूर जाते ही उन्हें पीछे से एक औरत की चिल्लाने की आवाज आई, आग लग गई, आग लग गई। वो हड़बड़ी में वापस उस रेस्टोरेंट की लेन में पहुंचे और उन्होंने देखा कि आग की लपटें अब रेस्टोरेंट के अंदर से निकलकर बाहर तक आ गई थी। उन्होंने तुरंत बैकअप बुलाया और फायर डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म किया। उन्होंने अंदर घुसने की कोशिश की ताकि वो उस आग को बुझा सके, पर उस रेस्टोरेंट का दरवाजा अंदर से बंद था। कुंजू और चंदर देरी ना करते हुए उस गार्ड की मदद से दीवार के ऊपर चढ़कर दूसरी तरफ चले गए, जहां उन्होंने देखा कि दो आदमी एक तंदूर को हवा देते हुए उसमें पेपर और लकड़ी के पीसेस डाल रहे थे। उनमें से एक वहां का मैनेजर केशव था और दूसरा आदमी वही था जो उन्हें थोड़ी देर पहले बाहर मिला था, जिसका नाम था सुशील शर्मा। चंद्रपाल ने वहीं से आवाज लगाकर उन्हें उस आग के बारे में चेतावनी दी, पर सुशील शर्मा ने कहा कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर है और उन दोनों पुलिस वालों के लिए इस वक्त वहां से चले जाना ही बेहतर होगा क्योंकि वो कुछ पुराने पार्टी के डॉक्यूमेंट जला रहे हैं। पर कांस्टेबल कुंजू को उस तंदूर से मांस की जलने की बू आ रही थी। उसका शक बहुत ज्यादा बढ़ गया तो वो दोनों रेस्टोरेंट के अंदर गए और सबसे पहले जाकर उन्होंने तंदूर की आग बुझाई। इसके बाद उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि तंदूर के बाहर इंटेस्टाइन्स लटक रहे थे और तंदूर के अंदर एक इंसानी शरीर आधा जला पड़ा था। पानी डालने से उस शरीर की स्किन हड्डियों से अलग हो गई थी, जिसकी वजह से एक बहुत बुरी स्मेल चारों तरफ फैलने लगी थी। इतनी देर में पुलिस की बैकअप टीम भी वहां आ गई। सुशील तब तक वहां से गायब हो चुका था, लेकिन केशव वहीं पर खड़ा था। केशव को इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया गया। अगली सुबह उस इंसानी लाश की बगिया बारबेक्यू रेस्टोरेंट में मिलने की खबर हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन गई। सुशील फरार हो चुका था। पुलिस केशव को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, लेकिन वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। पर जब पुलिस ने उससे पूछा कि उसका सुशील के साथ क्या रिश्ता है, तो उसने बताया कि वो रेस्टोरेंट सुशील शर्मा का ही है और उसके केशव पर बहुत एहसान है, इसलिए उसके कहने पर केशव ने यह सब किया था। उसी दिन एक आदमी पुलिस स्टेशन में आया जिसने अपना नाम मतलूब करीम बताया और उसने पुलिस से कहा कि वो लाश सुशील की बीवी नैना साहनी की है। धीरे धीरे सुशील शर्मा के सस्पेक्ट होने की न्यूज हर जगह फैल गई। पुलिस हाथ धोकर सुशील की तलाश में लगी हुई थी, पर उन्हें सुशील कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। पर एक दिन अचानक दिल्ली पुलिस को खबर मिली कि 9 दिन से फरार सुशील ने खुद को बैंगलोर पुलिस को सरेंडर कर दिया है, लेकिन उसने नैना के खून में उसके इन्वॉल्व होने से साफ इनकार कर दिया है। मगर कुंजू और चंदर ने अपनी आंखों से सुशील को क्राइम सीन पर देखा था और उससे बात भी की थी और उन्हें पता था कि सुशील झूठ बोल रहा है। पुलिस ने सुशील से सच उगलवाने के लिए उसे कई अलग अलग तरीकों से इंटेरोगेट किया। इंटेरोगेशन के दौरान सुशील ने फाइनली कन्फेस किया कि उसी ने नैना का मर्डर किया था, जिसके बाद वो पुलिस से बचने के लिए दिल्ली से फरार हो गया था।
उसके बाद सुशील ने पुलिस को 2 जुलाई को क्या हुआ था सब सच सच बताया। 2 जुलाई की शाम को सुशील अपने गोल मार्केट के फ्लैट में घुसा ही था जब उसने अपनी बीवी नैना को हाथ में एक ड्रिंक लिए किसी से फोन पर बात करते हुए देखा। नैना ने उसके अंदर आते ही फोन काट दिया और सुशील के लिए भी एक ड्रिंक बनाकर बेडरूम में चली गई। सुशील ने ड्रिंक पीना शुरू किया पर जैसे जैसे वो ड्रिंक उस पर अपना असर कर रही थी वैसे वैसे उसका नैना के ऊपर शक बढ़ रहा था, जिसकी वजह से उसने टेलीफोन पर लास्ट डायल नंबर पर कॉल किया। उस कॉल को मतलूब करीम ने उठाया जो नैना का एक्स बॉयफ्रेंड था और जिसके साथ नैना के अफेयर होने पर सुशील को पहले से ही शक था। सुशील गुस्से से तिलमिलाता हुआ बेडरूम में घुसकर नैना पर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उनकी लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ने लगी और सुशील ने एकदम से अपनी ड्रॉर से एक बंदूक निकाली और नैना को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। उसे उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने हड़बड़ी में अपने घर से खून साफ किया और डिसाइड किया कि मर्डर के सबूत को मिटाने के लिए वो नैना की लाश को अपने ही रेस्टोरों के तंदूर में जला देगा। पर ये केस सिर्फ एक अफेयर के शक की वजह से हुए मर्डर का नहीं था, दरअसल इसकी वजह थी सुशील का डोमिनेटिंग, इनसिक्योर और अब्यूसिव नेचर। नैना और सुशील की शादी को 2 साल हो गए थे पर फिर भी सुशील उनकी शादी को ऑफिशियल नहीं करना चाहता था। सुशील के इस डिसीजन से नैना बहुत ज्यादा हर्ट थी। सुशील दुनिया के लिए तो एक शरीफ सोबर पॉलिटिशियन था जो हर हफ्ते छतरपुर मंदिर जाता था, पर वही सुशील हर रात शराब पीकर नैना को मारता था और उसे अपने गोल मार्केट वाले फ्लैट में लॉक करके रखता था। एक रात जब नैना ने सुशील से उसके अब्यूसिव नेचर की वजह से उसको छोड़ने की बात की तो उसने नैना पर अपनी गन चला दी। उसने जानबूझकर मिस फायर करके नैना को डराने की कोशिश की थी। फिर एक दिन नैना को पता चला कि सुशील का अफेयर भी चल रहा था, जिसके बाद वो खुद को संभाल नहीं पाई। वो और भी ज्यादा अकेली और बेबस महसूस करने लगी थी। वो इस रिश्ते से छुटकारा चाहती थी, जिसके लिए उसने मतलूब की हेल्प लेने का डिसाइड किया। मतलूब, नैना और सुशील एक दूसरे को कॉलेज टाइम से जानते थे। वो तीनों पॉलिटिकल पार्टी के यूथ विंग में काम करते थे। कॉलेज डेज में नैना और मतलूब एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वहीं नैना और सुशील बस अच्छे दोस्त थे। नैना और मतलूब एक दूसरे से शादी करना चाहते थे पर क्योंकि नैना एक सिख थी और मतलूब एक मुस्लिम तो नैना की फैमिली ने उनकी शादी से इनकार कर दिया। फैमिली के प्रेशर में मतलूब ने अपनी ही धर्म की एक लड़की से शादी कर ली, पर नैना और मतलूब ने डिसाइड किया कि वो हमेशा अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। लेकिन नैना मतलूब की शादी के बाद धीरे धीरे बहुत ज्यादा डिप्रेस होती चली गई। सुशील ने ऐसे डिफिकल्ट समय में नैना का साथ नहीं छोड़ा और वो और नैना एक दूसरे से काफी क्लोज आ गए, जिसके बाद उन दोनों ने शादी कर ली। पर उनकी शादी कुछ हफ्तों तक ही अच्छी रही, जिसके बाद सुशील की सारी सच्चाई नैना के सामने आने लगी। सुशील जब भी नैना को घर में मारता पीटता तो नैना इमोशनल सपोर्ट के लिए मतलूब को कॉल करती। इसी अब्यूसिव शादी से निकलकर जब उसने अकेले ऑस्ट्रेलिया जाकर एक नई जिंदगी स्टार्ट करने का डिसीजन लिया तो मतलूब भी उसकी हेल्प करने के लिए राजी हो गया। 2 जुलाई से कुछ दिन पहले ही नैना ने सुशील को अपना डिसीजन बताया था, जिसको सुनकर सुशील गुस्से से पागल हो गया था और वो मतलूब के इस डिसीजन में इन्वॉल्वमेंट पर सवाल करने लगा था। फिर 2 जुलाई को जब नैना ने उसके अंदर आते ही एकदम से फोन काट दिया और फोन रिडायल करने पर मतलूब ने जवाब दिया तो सुशील अपना होश खो बैठा और उसने नैना की जान ले ली। सुशील को जेल हो गई और कोर्ट ने सुशील को डेथ सेंटेंस दिया, लेकिन कई सालों तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। सुशील के जेल में अच्छे कंडक्ट के लिए 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने उसके डेथ सेंटेंस को लाइफ सेंटेंस में बदल दिया, जिसके पूरा होने के बाद 22 दिसंबर 2018 को सुशील को
तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। आपको क्या लगता है, ऐसे क्राइम के लिए 20-25 साल जेल में काटना काफी है या ऐसे क्राइम के लिए डेथ सेंटेंस ही होना चाहिए? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल द क्राइम शो बाय खूनी मंडे।